इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और इराकी के बारे में नहीं जानते हो। ओह, कैसे पता होगा, कभी मैं पढ़ा है ही नहीं क्या? तो दोस्तों, आपने ऐसा ही कुछ डायलॉग सुना था द कश्मीर फाइल्स में। अब आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो आपने सुना ही होगा किस तरीके से जो है इराकी कितना क्रूर था। वो तकरीबन हर रोज़ 1500 2000 कश्मीर हिंदुओं को जो है जनेऊ काट कर खतना पड़वाता था, सर्कमसेशन करता था। और पूरा जो है उसका एक मिशन था कश्मीर में कि वो जो है पूरे कश्मीर को इस्लाम में कन्वर्ट कर देगा। अब जब दोस्तों इसको लेकर आप इन्फॉर्मेशन और अर्जित करने की कोशिश करेंगे तो आप जाएंगे यूट्यूब पर, आप जाएंगे गूगल पर, आप टाइप करेंगे जो नाम बताएगा फिल्म में, शमशुद्दीन मोहम्मद इराकी। आपको कोई विकिपीडिया पेज नहीं मिलेगा, शुरुआत में कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको एक दो वेबसाइट शुरुआत में मिल जाएंगी जिसमें कश्मीर फाइल्स का रेफरेंस लेकर ही जो बताई गई थी, इसका नाम इसमें बोला गया है और ये सफिशियंट था, इसका ऐसे 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 ऐसा चीज़ें थोड़ा बहुत बता रखा है कि ऐसा ऐसा एक कश्मीर में आया था, इसने ऐसा ऐसा करा था, बस थोड़ा सा। और जिस तरीके से आप कोई भी जानकारी सर्च करते हैं तो आपको इसका एक विकिपीडिया पेज मिल जाता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा एक जानकारी हम ले लें पूरा समरी टाइप में किस तरीके से, बाकी जो है और अगर सर्च करना हो तो और सभी वेबसाइट्स में भी जाएंगे, ऐसा रहता है। और शुरुआत में तो ऐसा कोई विकिपीडिया पेज नहीं मिला, फिर क्या कहते हैं इसी तरीके कोई एक ऐसी वेबसाइट पे उसका नाम लिखा हुआ मिलता है, मीर शमसुद्दीन एराकी। तो ये टाइप करा गया फिर मेरे द्वारा, मैंने टाइप करा तो फिर बकायदा इसका एक विकिपीडिया पेज मिलता है और विकिपीडिया पेज मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और लेस देन 5 मिनट्स में जो है इसका विकिपीडिया पेज ख़त्म हो जाता है। और आपको कहीं से कहीं तक भी ये पता नहीं चलेगा कितना बड़ा ये दानव था, क्रूर था, मर्डरर, किलर, कुछ नहीं पता चलेगा। और तो और वहाँ पर शुरुआत में इसके बारे में बताते लिखा क्या हो गया, ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड दी सोशल फैब्रिक ऑफ द कश्मीर वैली एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद जब मैं और देख रहा था तो मेरे सामने तकरीबन 3 4 बार इसका विकिपीडिया पेज एडिट हो चुका था। अब आपको पता है कि लेफ्ट वाले अपना राइट वाले अपना एडिट इसका हो रहा था। और पर शुरुआत में इसके कुछ ऐसे 4 5 लाइनें हैं जो एडिट नहीं हुई थी, वो अभी भी ऐसे ही हैं। अभी आप जाके विकिपीडिया पेज खोलेंगे तो आपको वैसे ही मिलेगा, जहाँ तक कि मिलेगा कि ये ग्रेटर इन्फ्लुएंस कश्मीर वैली एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, ये जहाँ तक मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों क्या लिखा गया है, ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस द सोशल फैब्रिक, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है कुछ यार, मतलब कि हाँ सही है, सूफिज्म था इस तरीके से, ये सब था सूफिज्म। अब हमें भी स्कूल में सूफिज्म पढ़ाया गया तो लगता है भैया शांति शांति वाले लोग थे ये ऐसा वर्ग होता था इस्लाम को जो शांतिपूर्ण रहते थे और जो है ये भगवान में अल्लाह में क्या कहते मलिन रहते थे और अपना बस जगह जगह करके घूमते थे और अपने साथ जो है फॉलोअर्स जोड़ता करते थे। फिर सूफी सिलसिला चले गया है ना, मोहम्मद चिश्ती सिलसिला, ठीक है, फिर इस तरीके से जो है राजस्थान में दरगाह भी है ना, अजमेर में मोहम्मद चिश्ती की दरगाह, इस तरीके से पूरा सूफीवाद है। तो हमारे मस्तिष्क में जो हमारे ध्यान में सभी जितने हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके नज़र में सूफिज़म तो एक पीसफुल एक कोई इमेज बन जाती है माइंड में कि हाँ भाई पीसफुल चीज़ थी ये, पीसफुल एक थॉट आता है ना। पर जब पता चलता है इराकी एक सूफी व्यक्ति ऐसा था तो सूफिज़म की तो पूरी धज्जियाँ उड़ जाती हैं और सूफिज़म की रियलिटी जो है आपको और फिर जानना चाहिए कि आखिरकार था क्या। तो सूफी सेंट था, तो ये ईरान से आया था और ईरान से आने के बाद जो है आखिरकार ईरान से आया क्यों, क्योंकि इसको पता चला कि ये कश्मीर में किस तरीके से जो है अडल्ट्री है, आइडल वर्शिप है, तो ये तो इस्लाम के खिलाफ है, काफिर हैं, इनको इस्लाम में कन्वर्ट करना है, जो ना हो मार डालना है और सभी मूर्तियों को तोड़ना है। और तकरीबन जो है 30 से भी अधिक मूर्तियों को तोड़ा गया, फिर बहुत ज़्यादा मूर्तियों को तोड़ा गया। मैं तो बस एक नंबर दे रहा हूँ कि जैसे वेबसाइट से लिया, बस 30 वहाँ पर दे रखे थे, मैं बता रहा हूँ कि 30 से भी ज़्यादा किस तरीके से एक हरि पर्वत है, ठीक है, ममलेश्वरा टेम्पल है, उन सबको तोड़ दिया गया, इतना क्रूर इतना दानव था। और बाकी तो अपने फिल्म के अंत में सुना ही है ना कि सर्कमसेशन जैनू कटा जाता था, खतना पड़वाया जाता था, इस तरीके से वो तो था ही क्रूर। और इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे आप कुछ नहीं मिलेगा, पे यूट्यूब पर मीर शमसुद्दीन इराकी भी लिख देंगे, शमसुद्दीन मोहम्मद इराकी भी लिख देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अब जहाँ तक बात है कि जो ये थोड़ी बहुत जानकारी भी जो है, मतलब कि जो जानकारी ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ जो फिल्म में बताई गई वो कहाँ से है, तो फिल्म में वो कोट करते हैं दर्शन कुमार जी, कहते हैं तौफुतुल अहबाब, जो कि बायोग्राफी है इसकी, जो इसी के डिसाइपल ने लिखी है, इसी के स्टूडेंट ने लिखी है, उसमें बताता है।